डियर स्टूडेंट, मैं हूं सिद्धार्थ किरण। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं यूनिट नंबर 3 योगा एंड लाइफ स्टाइल के सब टॉपिक, यानी कि उसका जो पहला सब टॉपिक क्या है, योगा एज प्रिवेंटिव मेजर, ठीक है, इस टॉपिक के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं बात कर लेता हूं आखिर योगा होता क्या है, क्योंकि आप एग्जाम में आपके ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, योगा के बारे में पूछा जा सकता है। तो योगा को मैंने बहुत ही सीधे शब्दों में, बहुत ही छोटे शब्दों में डिफाइन किया हूं कि द वर्ड योगा हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड यूज, यानी कि हमारा जो वर्ड योगा है ये संस्कृत के वर्ड से आया है, संस्कृत से आया है वो यूज शब्द से, ठीक है, विच मीन्स टू ज्वाइन, टू कनेक्ट एंड टू यूनाइट इंडिविजुअल सोल विथ सोल ऑफ डिवाइन, ठीक है, आपकी खुद की आत्मा और हमारे जो अंतरात्मा, भगवान की जो आत्मा, मतलब कि एक ऐसा चीज है कि आप योगा जो कर रहे हो आपकी एक आत्मा की मिलन होती है, यानी कि आप भगवान से, ऐसा माना भी जाता है बहुत सारे जो रिलीजन के मैथोलॉजी में कि जो योगा की जाती है ना वो आपके आत्मा की मिलन होती है, ठीक है। उसी तरह से मैंने आगे भी लिखा है कि इट इज ए साइंस विच क्रिएट्स अ बैलेंस बिटवीन माइंड एंड बॉडी, आपकी माइंड एंड बॉडी के बीच बैलेंस भी बनाता है। बट अल्टीमेटली आखिर ये क्या करता है कि योगा इज द यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा, यानी कि योगा का काम है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करता है। यानी कि आप योगा में जो भी ध्यान करते हो तो आपके अंदर एक शांति सी लगती है और आपका माइंड का आपके बॉडी पे कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये आपका योगा था, सीधा ही आप जान लो कि योगा संस्कृत वर्ड यूज से आया है, ठीक है। ये आपका काम करता है क्या, टू ज्वाइन, टू कनेक्ट एंड टू यूनाइट द इंडिविजुअल सोल विथ सोल ऑफ डिवाइन, ठीक है। ये हो गया आपका योगा के बारे में। मैं बात कर लेता हूं आसन के बारे में कि आखिर आसन होता क्या है, ठीक है। आसन को मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में डिफाइन किया हूं कि आसन मीन्स पोजीशन, आसन का सीधा कहने का मतलब है पोजीशन और पोस्चर ऑफ द बॉडी। आसन कैन बी डन इन सिटिंग, स्टैंडिंग एंड लाइंग डाउन पोजीशन, यानी कि कोई भी आसन को आप सिटिंग यानी कि आप खड़े होकर बैठ के आप उस आसन को कर सकते हो, स्टैंडिंग खड़े होकर कर सकते हो या सो के कर सकते हो, यानी कि डिफरेंट पोस्चर ऑफ द बॉडी में कर सकते हो। आसन आर परफॉर्म टू कीप बॉडी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी के लिए करते हैं हम लोग आसन, हेल्दी के लिए करते हैं और यंग रहने के लिए करते हैं। फ्रेंड, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर डिफरेंस क्या होता है योगा एंड आसन के बीच में। मैं बता दूं कि आसन एक तरह योगा का एक टाइप है, कहने का मतलब है योगा के बहुत सारे टाइप होते हैं, उसी तरह से आसन एक योगा का टाइप है, बस डिफरेंस यही है योगा और आसन में। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, आप लोग लीन कतई मत बोलना कि जो भी आसन और योगा में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये बातें हो गई और मैं बात कर लेता हूं कि योगा, बात कर लेता हूं अपने मेन टॉपिक पर, आसन एज प्रिवेंटिव मेजर। कहने का मतलब है कि एक आसन प्रिवेंटिव मेजर की तरह कैसे काम करेगा, ठीक है। मैंने यहां पर लिखा है सीधे शब्दों में कि आसन कैन बी प्रिवेंटिव मेजर्स एज दे प्रोवाइड फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स। यहाँ पर दो बातें हमेशा होगी, फिजियोलॉजिकल एक मॉर्फोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल कहने का मतलब है आपके बॉडी के अंदर जो चेंजेस आएगी, जो आपके आंखों से नहीं दिखेगा वो फिजियोलॉजिकल होगा, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल है वो आपके आंखों से दिखेगा, ठीक है। वो चीजें जो चेंजेस आएगी आपके शरीर के अंदर या शरीर में वो मॉर्फोलॉजिकल होगा, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स विच अल्टीमेटली हेल्प्स इन अवॉइडिंग वेरियस लाइफ स्टाइल डिजीज, ठीक है। फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ आसन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, यानी कि कोई एक इंसान कोई आसन कर रहा है तो उसके अंदर किस तरह की चेंजेस आएंगे, किस तरह के वो चेंजेस आएगी वो क्या हो सकता है। पहला है कि जैसे बोन एंड ज्वाइंट बिकम्स स्ट्रांग, यानी कि उसका बोन है वो स्ट्रांग होगा, ठीक है, इसका फिर ज्वाइंट स्ट्रांग होगा, ये सभी चीजें हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से उसका हाइट भी बढ़ सकता है, लिगामेंट का जो अटैचमेंट है वो कल स्ट्रांग होगा, और भी चीजें हैं। उसी तरह से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर बिकम्स नॉर्मल, यानी कहने का मतलब अगर कोई इंसान लो प्रेशर है या हाई प्रेशर है तो उसको नॉर्मल करने का काम ये आसन कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मेडिसिन ले रहे हो तभी आपका ब्लड हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर नॉर्मल में आएगा, आप आसन करके भी ऐसा कर सकते हो। उसी तरह से है कि इम्यून सिस्टम इज स्ट्रेंथेंड, ठीक है, अगर आप आसन करते हो तो आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ेगी। वो कैसे बढ़ेगी, आपके शरीर के अंदर WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का नंबर बढ़ेगा, जो आपके कोई भी जो आप जर्म्स हैं, कोई भी वायरस है उससे आपके लड़ने में मदद करेगा, ठीक है। फिर चौथा है इफिशियंसी ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम इनहेंसेज, कहने का मतलब है आपके शरीर के अंदर जो भी जो टॉक्सिक मटेरियल्स है वो जो बाहर आ रही है, चाहे वो आपके एक पसीने यानी कि स्वेटिंग के रूप में, चाहे वो आपके एक फिकस के रूप में आ रही है, तो ये सभी जो आपके सिस्टम है वो मजबूत करेगी आपकी,
ठीक है, मसल बिकम्स स्ट्रांग, आपका मसल स्ट्रांग बनेगा। सिर्फ आपका ये दिखने वाला मसल नहीं, आपके वो हार्ट का मसल भी स्ट्रांग करेगा, यानी कि फिजियोलॉजिकल जो भी चीजें हैं वो भी स्ट्रांग करेगा और आपके जो भी इंड्योरेंस देगा आपको। इसके साथ साथ रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम्स इफिशियंट। अगर आप कहते हैं लगातार आसन करते हो तो आपके जो कहते लंग्स है उसका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर होगी कहते हैं अगर आप आसन करते हो। तो ये चीजें हो गई मेरी टॉपिक नंबर वन, यानी कि सब टॉपिक वन है इसका, आसन एज प्रिवेंटिव मेजर्स। ये मेरा क्लियर हो गया। और मेरी बातें होगी ओबिसिटी पर कि ओबिसिटी के लिए कौन कौन से आसन हो रहे हैं, ठीक है, ओबिसिटी के जो आसन होंगे उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, उसके क्या प्रोसीड्योर होगा, क्या कंटेंडिक्शंस होगा, सारी चीजें मैं बात करने वाला हूँ आने वाले वीडियो में। बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।